मौत का भी तस्करा हम करते इसी लग्जरी लाइफ में, लेकिन यकीन नहीं है। और जब इतनी सारे हम जायदाद बना रहे, प्लॉट्स खरीद रहे, बंगले खरीद रहे, फ्लैट्स खरीद रहे, और जब वो पीछे से टैप करेगी ना, तो गाड़ी की चाबी भी कवर में लेके नहीं जा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सूरह जासिया में फरमाते हैं, वकील अल्यौम ननसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाज़ा वमाअवाकुम अन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन, कि अल्लाह ताला उस रोज़ जब हम हमारे आमाल लेकर आएंगे ना, तो बाज़ लोग ऐसे रहेंगे कि अल्लाह ताला उनको भुला देंगे। और क्यों भुला देंगे? क्योंकि ये दुनिया में रहकर इन्होंने इस दिन को भुलाया था। कौन से वाले दिन को? कि सब हमारी पेशी अल्लाह के सामने होने वाली है। आज जो मुस्लिम का यूथ है ना, हमारा जो भी यूथ है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, ये एक तरह से गाफिल किस लिए? इनका जो सबसे बड़ा वजह है ना, कि ये मौत को पहचान नहीं पा रहे। और हदीस को और कुरान को पीठ दिखाए और कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी बात कह दे, तो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। यानी कुरान असर नहीं कर रहा है, हदीस असर नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कुछ भी बोले, वो उसकी दुनिया कमा रहा है बोल के, उसको व्यूज़ आ रहे, उसको पैसा मिल रहा है, मगर वो जो भी बोलेगा उस पर अमल हो रहा है यूथ का। तो सबसे पहली चीज़ कि कुरान और हदीस को हमने पीछे डाल भुला दिया, कुरान और हदीस को, तो क्या अल्लाह हमको भुलाएगा नहीं? अब हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें बहुत अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है, और यूथ को। तो मेरे भाई, अगर मैं उस अंदाज में बात करूँ, तो मौत को ना एक हाइड एंड सीक के तौर पर ले लो, कि छुपा छुपी, जैसा हमारे उर्फ की ज़बान में उसको छुपा छुपी बचपन में हर किसी ने खेला होगा ना। तो छुपा छुपी में क्या होता है, जो शख्स छुप रहा होता है वो एक विजन बना के रखता है कि यहाँ से मेरे को ढूंढने आ रहा है, उसको सेट करता है और अपने आप को बहुत डिफेंड करने की कोशिश करता है, जैसा हाइड एंड सीक में होता है। अगर मैं कहाँ छुपाऊँ, तो मैं एक विजन बनाऊँगा कि इतनी रेंज में, इतने रडार में जो मुझे ढूंढ रहा है वो आएगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन वो चौक कब जाता है? जब वो पीछे से टैप हो जाता है, कि वो आगे नज़र रख रहा था मगर उसको पीछे से आके टैपिंग हुई और वो एकदम से चौक जाता है। बस भी आई नहीं ही मौत ऐसी ही आने वाली। मेरे को बताओ कि बच्चा एक दिन का होता है, बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि बच्चा पैदा हुआ, एक दिन पहले दिन सही सलामत था और सेकंड डे ही उसकी मौत हो जाती। उस बच्चे का क्या कसूर था कि वो दो दिन में मरा? और आज माशाल्लाह हम 27 साल के, कोई 26, कोई 25, तो पता चला कि मौत ने जो हाइड एंड सीक खेल रही है ना, उसको दूसरे दिन में ढूंढने में सक्सेसफुल हो गई मौत। और आज मैं जो बचा हूँ, तो 27 साल से मौत मुझे ढूंढने पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मौत आनी नहीं है। एक दिन आएगा जब वो मुझे पीछे से टैप करेगी। और इंसान क्यों गाफिल होता है? कि जो रडार, जैसा मैं बताया ना, इंसान एक्सपेक्ट करता है कि इसमें से आएगी। आज हमारा रडार क्या है? कि बेहतरीन से बेहतरीन घर हो, बेहतरीन से बेहतरीन सवारी हो, बेहतरीन लिबास हो, लग्जरियस लाइफ हो। मौत का भी तस्करा हम करते इसी लग्जरियस लाइफ में, लेकिन यकीन नहीं है। और जब इतनी सारे हम जायदाद बना रहे, प्लॉट्स खरीद रहे, बंगले खरीद रहे, फ्लैट्स खरीद रहे, और जब वो पीछे से टैप करेगी ना, तो गाड़ी की चाबी भी कवर में लेके नहीं जा सकते। ये बात तो तय है ना, क्योंकि हम इस तरफ से मौत को देख रहे हैं, मगर मौत तो आनी है पीछे से। तो ये बात यूथ समझ नहीं पा रही है कि असल जो है ना, कि वो दो दिन के बच्चे को भी मौत आ रही है, कोई बच्चा माँ के पेट में ही गुजर जाता है। तो मौत तो आनी है भाई, हर एक को आनी है। असल कामयाब लोग वो है कि जो अल्लाह ताला को इसी दिन को पहचाने और अल्लाह ताला को दुनिया में पहचाने, ताकि अल्लाह ताला की जो आयत के मफहूम में फिर हम उस जद में ना आए कि अल्लाह ताला हमें भुला दे रहे। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत करें।